खुद को समझा के गया था कि उनको जाके समझाना है, मैं भाई को समझाने गया था, लेकिन जब हम दोनों जब बाहर आए ना वो, तो कम से कम 10 मिनट तक तो हम दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं मेरे आंख से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगे, बस बहुत हिम्मत करके हम दोनों बात करना शुरू किए। मैं समझा रहा था कि बस आप हिम्मत मत हारिए, आप हिम्मत मत हारिए, बस वो यही बोले जा रहे थे कि सब बर्बाद कर दिया मैंने। मैं उनको कह रहा था कि भैया बहुत लोगों पे ऐसे लगा है, सर्वाइव कर लेंगे, बस आप हौसला नहीं हारिए, हम लोग सब सब देख लेंगे। बस उनके मुंह से यही आ रहा था कि सब बर्बाद कर दिया मैंने, घर के लिए कुछ नहीं किया है मैंने, जिस माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं बस समाज बिहार, जब से मैं मैच्योर हुआ, घर को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो माँ पिछले 4-5 सालों से रिक्वेस्ट कर रही है कि शादी कर लो, जहां तक कि मतलब मैंने किसी की सुनी ही नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज खुद तो परेशान हुई, घर को भी मैं सड़क पे ला दिया। पहली बार की मुलाकात में तो कुछ बात ही नहीं हो पाई हमारी, बस कह रहे थे गौरव जाना मत। जब वो सीन मेरे दिमाग में आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कह रहे थे कोई नहीं आता है, बस यही इंतजार करता रहता हूँ कि कोई आ जाए। जाना मत, घर मत जाना, अभी अगले हफ्ते मिल के जाना भाई। जो आदमी मतलब घर परिवार के बारे में सोचा ही नहीं है कभी, ना कभी माँ के बारे में सोचा है, ना बाप के बारे में, ना अपने परिवार के बारे में सोचा है, आज उस आदमी की स्थिति क्या है, मैं खाने के बारे में क्या बताऊँ। मुझे तो कह रहे थे कि बताना मत किसी को, हफ्ते में 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। कह रहे थे कि सिर्फ चावल मिलता है जेल मेन्यू में, चावल और सांभर, सांभर के नाम पे कह रहे थे सिर्फ पानी होता है गौरव। कैंटीन से 2 रोटी लेके आता हूँ, 1 समय खाना खाता हूँ, और हम लोग जो वहीं पहले तो कोई मिलने भी नहीं जाता था, अब कह रहे थे कि बस वहीं इंतजार लगा रहता है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी आएगा, बस उसी आस में समय काट रहे हैं वो। ट्यूसडे को मिला, फिर वेडनेसडे को गया, वेडनेसडे को नहीं भेंट कर पाया मैं, तो ट्यूसडे और थर्सडे मिल पाते हैं लोग, तो ट्यूसडे गया था और फिर थर्सडे गया था। थर्सडे तो खुद को बहुत मजबूत करके गया था, बहुत समझाया भाई को कि सब सही हो जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, सब सही हो जाए। यही कह रहे थे मैंने गलती क्या कर दिया है। मैं उनको समझा रहा था कि बहुत तो पे NSA लगा है, मैं यही चीज़ वो मुझसे कह रहे थे NSA लगा है, कौन अपने राज्य से 3000 किलोमीटर दूर रह रहा है, कौन काला पानी का सजा काटा है, मुझे न किसी से बात, न किसी की लैंग्वेज समझ में आती है, न खाना समझ में आता है। मैं काट लूंगा NSA भी, मैं काट लूंगा, मैं रह लूंगा, लेकिन यहाँ ना कोई बात करने के लिए है, ना खाने की प्रॉब्लम है, तो इतना काला पानी का सजा कौन काटा है अभी तक? किसी जितने लोगों पे NSA लगा है ऐसी सजा किसी को नहीं हुई है। कह रहे थे बस बिहार शिफ्ट करा दीजिए, बिहार पहुंचा दो, जिस बिहार के लिए मैंने इतना किया, आज मिलने के लिए मतलब जो आदमी हमेशा समाज में रहता था, एक बार सड़क पे उतर जाता था तो कम से कम 2000-4000 लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते थे, आज उस आदमी वो आदमी मिलने के लिए मोहताज है कि मेरे से कोई मिलने आए, मेरे पास कोई आए। कह रहे थे कि केस सुप्रीम कोर्ट में केस था, सब खत्म हो गया होगा, पैसा कहाँ से आ रहा है। हम बोले भैया टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब बेच के लगा देंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा, आप जिसके लिए लड़े हैं ना, बिहार आपके साथ खड़ा है, क्राउड फंडिंग करेंगे। क्राउड फंडिंग की बात मैंने की तो कह रहे हैं ये कभी मत करना लोग, छोड़ देना हमको ऐसे ही, अब फिर दोबारा वहां मत जाना, हाथ मत फैलाना लोग, मत है। लेकिन अब टूट रहा है वो आदमी ना, जो आदमी खाने, मैंने बोला खाना पे ध्यान दीजिए, अंडा मिलता है हफ्ते में 1 दिन, अंडा नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाते ही नहीं। मैंने समझाया कि नहीं खाइएगा तो कैसे रहिएगा, एकदम दुबले हो गए। मैं बोला नहीं खाइएगा तो कैसे रहिएगा? कह रहे थे कि ज्यादा खा लूंगा ना तो रात को नींद नहीं आएगी, रात को मेरी आंख खुल जाएगी, जबरदस्ती सो जाता हूँ इसीलिए नहीं खाता हूँ, दिन में एक बार खाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन तो फास्ट करते हैं, क्योंकि वहां की खाना समझ में नहीं आता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनको एक स्पेशल सेल मिला है, स्पेशल सेल में है, उनको वार्ड की तरफ भी नहीं जाने दिया जाता, एक छोटा सा रूम है उसी के अंदर उनको सेफ रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। हफ्ते में 2 दिन मिलने दिया जाता है, बस वहीं मिलने आते हैं, बाकी कह रहे थे कि उंगली पे बस यही गिनता हूँ कि ट्यूसडे और थर्सडे, कब ट्यूसडे आएगा कब थर्सडे आएगा, तो मिलने भी कोई नहीं जाता था। जो आदमी हमेशा समाज में रहा है आज उससे वो मिलने के लिए लोगों से तड़प रहा है, आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। मैंने समझाया कि भैया पूरा बिहार खड़ा है आपके लिए, पूरा बिहार खड़ा है, लेकिन बहुत बुरा लगता है, परिवार के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, वो तो
बस यही कहते रह गए कि परिवार के बारे में सोचा ही नहीं कभी मैंने, माँ कैसी हैं, माँ दिन भर रोती रहती होंगी, कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए, न शादी किया, न कभी मेरी कमाई से उनको कोई कुछ हुआ, कुछ नहीं किया, ना माँ के लिए किया, ना भाई के लिए किया, ना किसी परिवार के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। परिवार के बारे में हफ्ते में बात भी नहीं करते थे, मम्मी दो दो हफ्ते तक कॉल करते रह जाती थी, बात तक नहीं करते थे। और आज आज परिवार के अलावा कोई नहीं है खड़ा, कोई एक सिंगल पीस आदमी नहीं है जिस पे आदमी आंख बंद करके भरोसा कर सके, हाँ ये आदमी कर रहा है। तमिलनाडु में इतनी परेशानी, मैं सोच रहा था कि मुझे जब बाहर इतनी परेशानी हो रही थी, मैं गया, मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 10-10 कैब किए मैंने, कैब बार बार कैंसिल हो जा रहा था क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी जानता था, तमिल जानता ही नहीं था। मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग, आप लोग चला लीजिएगा। मुझे जब बाहर इतनी परेशानी हो रही थी तो फिर अंदर वो कैसे रह रहे होंगे। लोगों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग हैं, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। सोचिए वो आदमी टूट गया है अंदर से, टूट रहे हैं उनको। मैंने लास्ट तक मैं बोल गया भैया 2 से 3 महीने बस, कह रहे थे 2 से 3 महीने में नहीं, पता नहीं मैंने गलती क्या की है। मुझे वो तो अभी तक ये पूछ रहे हैं कि गलती क्या हो गई मेरे से, कि एनएसए लग गया मेरे ऊपर, कितनी बड़ी गलती कर दी है कि एनएसए मेरे ऊपर लग गया। वो तो अभी यही पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज ने मना कर दिया। हम लोग बहुत हिम्मत देने का कोशिश कर रहे हैं, हमेशा परिवार से कोई ना कोई कोशिश करते रहता है, बाहर ट्यूसडे थर्सडे चला जाए। कहते हैं, कह रहे थे कि ट्यूसडे का इंतजार होता है, ट्यूसडे बीत जाता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद तो मैं संडे को तो मैं ऐसे ही बस उंगली पे जोड़ता हूँ कि बस थर्सडे। कह रहे थे कि 10 बजे के पहले आप लोग आ जाइएगा, जब 10 बज जाता है ना कोई नहीं आता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, लगता है कि अब लेट हो गया, कुछ हो गया, यहाँ इन लोगों को परेशानी है, नहीं आ पा रहा है लोग, तो बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वो छोटा सा कमरा है, एक अलग सेल बनाया गया है, एक बहुत पुराना पंखा है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, जमीन पे सोते हैं 24 घंटे उसी रूम में, 10x10 के कमरे से भी छोटा एक सेल, उसी में बस टहलना है, उसी में रहना है पूरे दिन। मैं इतना बड़ा हो गया ना, मैंने मनीष भैया को रोते हुए देखा ही नहीं है, उस आदमी को कभी हमने आंख से आंसू गिरते हुए देखा ही नहीं है, और उस आदमी का आंख का आंसू बंद ही नहीं हो रहा था। कह रहे थे सब बर्बाद कर दिया, हमने किया क्या है अपने लिए। मैं उनसे बोला कि भैया 2 से 3 महीने, कह रहे थे नहीं 10 महीने 25 दिन अभी बाकी है। वो एक एक दिन उंगली पे गिन रहे हैं, एक एक दिन उंगली पे गिन रहे हैं। कह रहे थे क्या गलती कर दिया मैंने, तुम ही बताओ ना कहां मैं गलत था, क्या पता था मैं कि क्या गलती की आपने। यही कि समाज के लिए लड़ा है, यही कि आप प्यार के लिए हमेशा आगे रहते थे, घर परिवार के बारे में सोचा नहीं है, खाना नहीं खा रही है भाई, खाना नहीं खा रहा है, 2-2 दिन 3-3 दिन वो लोग भी खाए रह जा रहे हैं, घर तो एकदम बर्बाद हो गया है। कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए ही नहीं है, एक शब्द भी कोई बात करने के लिए नहीं है, वहां घुट ही रहा है ना। कह रहे थे काला पानी का सजा है मेरे लिए।